तो मैंने क्या बताया था बच्चा कि अरे कौन है भाई, मेरी आवाज मुझे सुना रहे तुम लोग? इतनी बेसुरी आवाज है मेरी वैसे भी। ये जीरो और ये ईवी तो बेसिकली बैटरी का जरिए चार्ज को एनर्जी दे रही है। वो एनर्जी किसने लूट ली? रेजिस्टेंस 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 ने लूट ली। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, क्या हो रहा है, बैटरी क्या दे रही है? सामान लोड कर रही है। सामान लोड किया किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन का जो सामान है वो किसने लूट लिया? तो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रक का काम कर रहा है। सामान उठाया, एक जगह उठाया, दूसरी जगह पे छोड़ दिया। ठीक है जी, तो बेसिकली बैटरी कोई चार्ज नहीं देती, वो चार्ज को एनर्जी देती है। तो बैटरी सिर्फ इतनी एनर्जी देगी या कुछ और भी देगी? अब तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बोला, क्या बोला है? एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लो बैटरी ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, तो बैटरी ने कितना कार्य किया? कल बताया था क्यू इंटू वी, याद करो, कल बताया था मैंने वर्क ने बैटरी को था क्यू इंटू वी, कितना चार्ज दिया इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही फंडा मैंने यूज किया। बात चला करिए बाल को। वो तो कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर थी, बैटरी ने क्यू इंटू वी किया था। चलो सुनो, अगर एनर्जी 10 जा रही है तो 10 वोल्ट आ जाएगा, एनर्जी 10,000 तो 10 वोल्ट आ जाएगा। उल्टा काम कर रहा है। वोल्टेज के हिसाब से एनर्जी दी जाती है। चार सौ इलेक्ट्रॉन का ही है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो एनर्जी कितनी देगी? 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 10। ठीक है जी, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब सुनो, तो बैटरी चर्चा हमने कर ली, अब बात करते हैं किसकी बच्चा, रेजिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंस। पहले एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पता होना चाहिए कि बेसिकली बैटरी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है। हाँ जी स्नेहा जी, रेजिस्टेंस क्या होता है? Anything which consumes energy. वेरी गुड, एनीथिंग विच कंज्यूम्स एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जो हम रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, क्या हम बल्ब का रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं या फिर बेसिकली पंखे का या किसका? हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर है, किसका? इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? कंडक्टर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो पढ़ने वाले हैं, बाकियों का रेजिस्टेंस पढ़ने वाले नहीं है। मैक्सिमम क्या पढ़ लेंगे? बल्ब पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? बल्ब। ठीक है जी, तो सुनो, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता नहीं होता? होता होता है। वेरी गुड, तो बच्चा आता क्यों रेजिस्टेंस में? कारण क्या रेजिस्टेंस का उसमें? ब्लॉक करंट किसी को याद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना पता होगा कंडक्टर कैसे बनता है। मैंने क्लास में तो समझाया था, शायद तुम भूल गए हो, कुछ बच्चों को समझाया था मैंने कि मान लो क्लास है मेरे पास। ठीक है जी, क्लास में मैंने क्या बोला, इतने बच्चे बैठे थे, वो सब क्या है मान लो, मेटल, आगे मेटल है बेसिकली, एटम्स है। उन्होंने क्या किया बच्चा, कि अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और पूरा कमरा भर लिया। किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। किससे भर लिया? फ्री इलेक्ट्रॉन से भर लिया। फिर जो एटम थे जिसने छोड़ा इलेक्ट्रॉन को, वो क्या बन जाएंगे? आयन बन जाएंगे। तो पहले पूरा कमरा किससे भर लिया? फ्री इलेक्ट्रॉन से भर लिया। फिर उसके अंदर क्या डाल दिए? आयन्स भर दिए। ठीक है जी, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल, मेटलिक कर्नल्स। तो बेसिकली कैसे होगा सिस्टम, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास मान लो ऐसे, कुछ और ही बन जाएगा, देखिए इंक्लूड शेप करते ये बन गया। तो बच्चा इसमें क्या है, मैं मान रहा हूं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या बना रखा है, समुद्र, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है बेसिकली। और बीच में क्या है, मोटे मोटे सांड यानी मेटलिक कर्नल्स, ऐसे मेटलिक कर्नल्स हैं बीच में, और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इलेक्ट फ्लो ऑफ करंट जो होता है बेसिकली, क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कर्नल मूव करेंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आप कहते हैं ऐसे कि करना मूव कर रहे हैं, ऐसे कभी नहीं कहते हम लोग, कंडक्टर कभी नहीं कहते, ऐसा कुछ था आपने? वो सेमी कंडक्टर में कर रहा। अच्छा हाँ जी बच्चा बोलो, कौन मूव करता है? बोलो पापियों, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कंडक्टर मूव नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं?
मतलब किससे कारण मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन जो मोशन होता है कैसा होता है, रैंडम, पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ऐसे वापस नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आती है बच्चा इसकी, जीरो। तो रैंडम मोशन के कारण इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आता है, जीरो। तो चार्ज मूव तो कर रहा है, चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। इसका इसके कारण बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन कोई करंट आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो I क्या आएगी, जीरो आएगा। तो करंट लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करते हैं बच्चा, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक सेल कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या पैदा होगा कंडक्टर के अंदर, फील्ड पैदा होगी बच्चा। क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। याद करो, मान लो इसकी लेंथ मेरे पास L दे रखी है, तो V is equal to क्या होता है, E into D बताया था मैंने कैपेसिटर में, तो यहाँ पे क्या होगा, E into L हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या आएगी, फील्ड, दैट इज इक्वल टू V by L। यहां तक कोई तकलीफ, अरे हाना बोलो पापियों, नहीं ऐसे, ठीक है। अगर फील्ड ऐसे है, इसमें अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, फील्ड ऐसे है और चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगी, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। अपोजिट टू फील्ड लगती है नेगेटिव पे बच्चा, मानते हो, हाँ ना बोलो। अब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, बड़ी वाली प्लेट कैसी होती है, हायर पोटेंशियल, और ये है मेरे पास लोअर पोटेंशियल। फील्ड फ्लो करती है लोअर से हायर, मानते हो, हाँ ना बोलो। यस सर बोल रहे हो, तुम पागल हो गया, फील्ड फ्लो करती है हायर से लोअर, ठीक है जी। तो फील्ड ऐसे है, तो बचाओ बताओ बच्चा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा पापियों, मैं नहीं पढ़ा रहा भाग्य, ऐसे ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे बच्चा, मानते हो फोर्स इधर लगेगी, फोर्स लगेगी तो एक्सलरेट करेंगे, एक्सलरेट करेंगे तो सामने क्या मिलेगा, सांड, तो क्या होता है, टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, फिर वापस से एक्सलरेट करेगा, फिर सामने क्या मिलेगा, एक और सांड, तो फिर से टक्कर हो जाएगी। तो लगातार क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट करता है, टक्कर करता है, अपनी एनर्जी लॉस करता है, फिर उठता है, मतलब कोई जिद्दी मुर्गा है, पहले उठेगा, भागेगा, टकराएगा, टकरा के क्या वापस रेस्ट पे, फिर वापस भागेगा, फिर टकराएगा, फिर वापस भागेगा, तो चलता रहेगा। तो जो एनर्जी लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन, जो एनर्जी लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन, उसी को नाम क्या दिया हम लोगों ने, रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बात चमकी, ठीक है बच्चा। अब बच्चा इसमें पता क्या है, थोड़ी बेशर्मी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, थोड़ी बेशर्मी और कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात बताओ मुझे, एक टर्म आती है मेरे पास टाओ, क्या आती है, टाओ नाम सुना है, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम होता क्या है, दो टक्कर के बीच का जो समय है, दो टक्कर के बीच का समय क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन या फिर कंसेक्यूटिव बोल सकते हो आप, इसे क्या बोलते हैं, टाओ। अच्छा बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ ये टाओ डिपेंड किस पे करेगा, हाँ जी अर्षा जी, टाओ डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक मेटल जो है उसका क्रिस्टल लैटिस फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं। जो लोकेशन कर्नल की बता दी कि उन्होंने FCC बनाया है या BCC बनाया है, वो तो फिक्स रहेगा बच्चा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी टक्कर जल्दी जल्दी होगी ना बच्चा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ मेरा क्या होगा, कम होगा, टक्कर जल्दी हो रही है ना,
भाई तापमान बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टक्कर जल्दी हो जाएगी, तो टाउ घटेगा। तो टाउ जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ तापमान पे, ठीक है, याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? चलो सुनो, अब बात सुनो, जैसे मान लो मेरे पास ये है एक इलेक्ट्रॉन, इस पे फील्ड लगी ई, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी बच्चा? बोलेंगे क्यू ई या ई ई बेसिकली, ठीक है जी। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए। एम किसका लूं? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ई ई बाय एम। एम क्या है इसमें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई लिख रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है जी। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, अब मुझे बताओ बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी में यानी तापमान के कारण जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? बिना फील्ड लगाए भी वेलोसिटी थी ना इलेक्ट्रॉन के पास, मानते हो? बिना फील्ड लगाए भी तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, वो रैंडम मोशन कर रहा था, जीरो जीरो, हाँ एवरेज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? वी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और मुझे पता है कि वो नेट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है इसका, तो ये वैल्यू क्या आएगी? जीरो। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को चमत्कारी फॉर्मूला लगाना है क्या? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कब तक एक्सलेट करता है? जब तक टक्कर ना हो उसकी सांड से, मानते हो? इलेक्ट्रॉन कब तक एक्सलेट करेगा? जब तक टक्कर ना हो। और दो टक्कर के बीच का टाइम कितना होता है? टाउ। तो मतलब जो ये टाइम जो दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्या आएगी? टाउ आएगी। तो टाउ रख दिया मैंने यहाँ पे। अब यू बताओ क्या है? जीरो। जीरो है क्योंकि इनिशियली उसके बाद रफ्तार कितनी थी? जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो थी। ए की वैल्यू क्या है? ई बाय एम ई, चरणों में ध्यान रखना ये, और ये टाउ। तो इस v को जो नाम दिया गया, इस v को जो नाम दिया उसे बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डी भी क्या है? चरणों में है, ठीक है जी। तो ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी अटेंड बाय, क्या बोलोगे इसे? एवरेज वेलोसिटी किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे ले लो एवरेज वेलोसिटी अटेंड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। कब आई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तब आई। पहले तो क्या थी? रैंडम थी मेरे पास और जीरो था मेरे पास। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? एवरेज वेलोसिटी अटेंड बाय या अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। बात चमक रही है या तो उठ गए? आगे समझ, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब हम बेशर्मी क्या करेंगे बच्चा, सुनो, मुझे पता है कि रियलिटी में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा वो एक्सलेट करता है, सामने कौन आता है? कर्नल, टक्कर होती है, फिर दोबारा एक्सलेट करता है, सामने कौन आता है? कर्नल आता है। ये रियल लाइफ सिचुएशन है, क्या है? रियलिटी में ये हो रही है, लेकिन साइंटिस्ट लोग थोड़े समझदार होते हैं, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, एक सिचुएशन ढूंढते हैं ऐसी जो बिल्कुल सेम आउटपुट दे जो रियलिटी में हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा कंडक्टर जो है ना, हम क्या मानेंगे कि सारे के सारे कर्नल गायब हो गए, सारे सारे कर्नल क्या हो गए? गायब हो गए, और कोई टक्कर नहीं हो रही, और कोई टक्कर नहीं हो रही है, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा, सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सेम रफ्तार से, कोई टक्कर नहीं है। ये थ्योरी है, प्रपोज थ्योरी है बेसिकली, जिससे रिजल्ट बिल्कुल सेम आते हैं जो एक्चुअल में हो रहा है वैसे ही, ठीक है जी। तो हम क्या मान रहे हैं? सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो मेरे पास v पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कितनी रफ्तार से? vd से। ये भी vd से, सारे किससे कर रहे हैं बच्चा? vd से कर रहे हैं। जैसे तुमने परेड देखी, तुमने परेड में जो होते हैं आर्मी वाले बंदे, सारे के पीछे के होते हैं, सबकी रफ्तार सेम होती है, अगर सेम ना हो तो टकरा जाएंगे आपस में। तो बेशर्मी क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किससे मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और कोई टक्कर नहीं हो रही है। बात चमक रही है?
इससे हम करंट और ड्रिफ्ट में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है जी। बात चमक गई? यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। अब देखो करें कैसे, करंट और ड्रिफ्ट में रिलेशन निकालना, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, करंट और ड्रिफ्ट में रिलेशन निकालना डेरिवेशन में आता कई बार है, बड़ा ही आसान सा फंडा। अब क्या करते हैं, मान लो मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया, क्या लिया, एक क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, लोग सो रहे हैं, उस पे कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे बच्चा, मानते हो, मान लो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सीता गीता राम श्याम जो भी है उनका नामकरण कर दिया, जो दिखा रखे हैं मैंने, ये कैसे हैं, सीता गीता राम जो भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन सब के पास रफ्तार कितनी होगी, वीडी होगी बच्चा, मानते हो। तो एक बात बताओ, डीटी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, कितना चलेंगे, VDDT. वेरी गुड, कितना चलेंगे, कितने होशियार हो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम, लोग कितने होशियार हैं लगाना जानते हैं, ये स्पीड की वैल्यू क्या है वीडी और टाइम की वैल्यू क्या है डीटी, बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, जानबूझ के एक मैंने ऐसे क्या ड्रॉ किया, एक और सरफेस ड्रॉ किया, जो पुराने वाले सरफेस कितने सेपरेशन पे है, VDDT सेपरेशन पे, बात समझ में आ गई। तो अब हो क्या रहा है कि मुझे पता है कि इस टाइम DT में राम सीता गीता कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे इसमें क्रॉस सेक्शन, बच्चा मानते हो, हाँ ना बोलो, अरे सांड की तरह मुंह लादा करो यार मुंडी, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हो गया मेरे पास, यहां पहुंच गए, अगर ये यहां पहुंच गए तो जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इसके बीच दिख रहा है, ये शेड कर रहा हूं रीजन में, इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चा, वो भी तो क्रॉस करेंगे इसको, मानते हो, इस वाले क्रॉस सेक्शन को राम सीता गीता क्रॉस कर ही गए, क्योंकि राम सीता कहां थे, यहां थे राम सीता गीता जो थे, अगर ये यहां पहुंच गए तो जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है सबकी वेलोसिटी वीडी है, तो वो भी तो क्रॉस करेंगे करेंगे। तो मुझे अगर पता लग जाए कि इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पता लग जाए कितने इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया कितने टाइम में डीटी में, मानते हो। तो मैंने एक टर्म डिफाइन की एन, क्या डिफाइन की एन, एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री चार्ज लिख लो, कैरियर क्यों लिखना, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चा। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नंबर ऑफ फ्री चार्ज चाहिए ना, तो कैसे आएगा, एन इंटू वॉल्यूम कर दूं। अब जो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है वो बच्चा ए मान लूं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया तो पापियों ए है, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ तो VDT है, मतलब VD चरणों में D into DT, मानते हो। yes. तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज जो आगे वो क्या आएगा, N into A into VD into DT, बच्चा मानते हो, ये तो क्या आएगा, चार्ज की संख्या आ गई, चार्ज की संख्या जिन्होंने क्रॉस किया उस एरिया को DT टाइम में, बात चमक रही है, हाँ ना बोलो, ठीक है बच्चा। अब ये तो चार्ज की संख्या है, तुमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एन ही पढ़ा, तुमने याद आ रहा है कुछ कुछ क्वांटाइजेशन वाला, तो एन तो पता लग गया कितने हैं, ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा, हाँ ना बोलो। तो इतना चार्ज पास हुआ किससे, इस एरिया से, कितने टाइम में, डीटी टाइम में। तुम्हें बताया था अभी 10-15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले बेसिकली कि आई की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू तो पता लग गया मेरे को, वो क्या है, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू ई, इतना चार्ज पास हुआ टाइम कितने में, डी टी में, डी टी नीटी को मार दिया, तो बचा क्या, आई की वैल्यू क्या बच गई, वी ना बच गई, क्या बच गई, वी ना, ऐसे याद रख लो, वी डी इंटू ई
इंटू एन इंटू ए. यहां तक कोई बात समझ में आई? ये रिलेशन सीबीएसई पूछती है भाई ड्राइव करने के लिए, है बड़ा आसान, कुछ है ही नहीं. यूं ही मास्टर टाइम पास कर दिया. अरे बात समझ में आ रही है? यस सर. ठीक है बच्चा, कितने लोगों को समझ में आ गया? ईमानदारी से बोलना. यस सर. अगर से समझ. ठीक है चलो, अब इसी रिलेशन से ना एक और चमत्कार करते हैं. एक और चमत्कार करने वाले हैं, वो क्या है? ओम्स लॉ. क्या है? ओम्स लॉ. इस रिलेशन को यूज करेंगे और ओम्स लॉ डिराइव करेंगे. ठीक है, कर किया था तो क्या दोबारा कर लो? नहीं नहीं कराया नहीं हम लोग. ठीक है जी, अब बताओ वीडी की वैल्यू क्या थी? स्नेहा जी, वीडी की वैल्यू क्या थी? ee by m into tau. यस, ee by m into tau. मानते हो इस चमत्कारी रिलेशन में VD की वैल्यू बढ़ दूं? तो क्या आ जाएगा? ee m tau into e into n into a. बन गया? यहां तक कोई तकलीफ? नो सर. अच्छा, ओम्स लॉ में क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, V आता है. V V आता है. हमें कहीं दिख रहा है इसमें V? नहीं दिख रहा ना. तो फिर क्या करें? भगवान से बात ना करें, ब्रह्मा जी कुछ तो वरदान दो. ठीक है जी, तो सुनो, मैंने तो बताया था कि V इज इक्वल टू E इनटू D होता है, याद करो. यस सर. इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L दे रखी थी लेंथ. मानते हो ये लेंथ L है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं? E इनटू L लिख दूं. तो पापियों, E की वैल्यू क्या आएगी? V by L. बस यही चमत्कार करना है हमने. तो V by L पुट कर दूं इसमें. इसमें जो कैपिटल E है वहां पे पुट कर दूं, फिर ये क्या हो? नीट है ये. चलो ये आ गया E स्क्वायर. तो भाई मेरे पास E की वैल्यू V by L पुट कर दी. M तो नीचे रहेगा रहेगा बसंती, ताऊ भी रहेगा, एन भी रहेगा और ए भी रहेगा. ये बन गया. यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? अब क्या करें? ओम्स लॉ क्या था? वी इज इक्वल टू आई आर था ना? तो क्या करना है? इस वी को छोड़ दो, बाकी जो सामान है उसे लेफ्ट शिफ्ट कर दो. तो आई इंटू एम एल by e square n tau into a is equal to क्या बन गया? v बन गया. हाँ ना बोलो पापियों. अच्छा समझ में आ गया बच्चा यहाँ तक? yes sir. ठीक है बच्चा, अब देखो ये वाली टर्म जो है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? r. r बोलेंगे. तो i into r is equal to ये. अब R का फॉर्मूला देखो ढंग से क्या बन रहा है. M E स्क्वायर N tau L by A बन रहा है. वो कांस्टेंट हो जाएगा. हाँ, तो तुमने शायद बचपन में शायद पढ़ा हो R is equal to rho L by A, पढ़ा तुम लोगों ने शायद? Yes, तो जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला पोर्शन जो है rho. ये रो है बेचारा. ठीक है जी, तो ये रो है. ठीक है जी, बात समझ में आ गई. तो ये रो है. अब ये रो डिपेंड किस पे कर रहा है? देखो tau पे डिपेंड कर रहा है. रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ. मानते हो? कंपेयर कर लो आप यूं, और टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो टाउ कम होता है. टाउ कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगी तो टाउ कम होगा, एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी टकराओगे. अच्छा हाँ. ठीक है जी, तो रो बढ़ेगा. रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. यहां तक बच्चों चमका या नहीं चमका? चमक गया तो बड़े अच्छी बात है. तो ये डेरिवेशन पूछती है सीबीएसई आपसे, आपको याद होनी चाहिए. जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए. कर दोगे काम ये? यस सर. ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़े. फिर अब मैं यूज करना सिखाता हूँ आपको. आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए यूज करना सिखाता हूँ, कैसे यूज करना है. ठीक है,
एक बड़ा ही वाहियात सा एग्जाम्पल है मेरे पास, बट स्टिल करेंगे. पीओपी तुमने खुद लिखी नहीं, लाइनें देख कैसे बना रहा हूँ. चलो ये है मेरे पास. अब मान लो मेरे पास बच्चा ये, अरे क्या किचड़ पचड़ कर रहे तुम लोग. अच्छा सुनो, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है भाई. अब मान लो करंट जो है बच्चा इस फेस से, इस चेहरे से अंदर घुस रहा है, इस चेहरे से अंदर घुस रहा है और इस चेहरे से बाहर निकल रहा है. फेस जानते हो. मान लो ये साइड ए दे रखी है, ये वाली साइड बी दे रखी है और ये वाली साइड सी दे रखी है. तो बच्चा अगर मुझे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगाना है, तो बच्चा बताओ L की वैल्यू क्या आएगी और A की वैल्यू क्या आएगी. लेंथ करंट ने कितना करंट चला यहां से लेके यहां तक, ऐसे बच्चा मानते हो. तो ये लेंथ कितनी है, ये तो A ही है मेरे पास. तो L की वैल्यू तो A आ जाएगी. आना बोलो. और जिस एरिया से गुजरा वो तो ये है चेहरा, उस चेहरे का एरिया क्या, BC. आना बोलो. B into C, length into breadth. ऐसे काम बन जाएगा मेरे पास. और अगर मान लो करंट ऐसे आ रहा होता, इस चेहरे से आ रहा होता और इस चेहरे से जा रहा होता, तो R का फॉर्मूला क्या बनता बताओ मुझे. B length. Length तो क्या होती है, B होती है. और ये क्या बचता, AC बचा. इसका जो फेस का जो एरिया आएगा A into C आएगा ना, ठीक है जी. और अगर मान लो और कोई चीज बन रही है कि हाँ इस चेहरे से आ रहा है और उस चेहरे से निकल रहा है, तो रो इनटू सी बाय ए बी. ठीक है, बात चमक गई. तो इससे मैंने क्या फील कराया बेसिकली, कि लेंथ कौन सी रनिंग, कितना करंट चला वो लेंथ है और कितने एरिया से पास किया वो मेरा एरिया है. बात चमक गई बच्चा. ये क्वेश्चन पूछते हैं पहले, जेई में आया हुआ क्वेश्चन. ठीक है चलो, अब सुन लो भाई. पाप यू, तुम्हें मैंने क्वेश्चन भेजे हैं क्या इसके कैपेसिटर के सारे? No. नहीं भेजे हैं. मैं आज अभी भेज देता हूँ क्वेश्चन. क्वेश्चन कर लो, परसों तुम्हारा डाउट सेशन है, ठीक है जी. और वेडनेसडे को टेस्ट लूंगा. जी तुम्हारे नंबर नहीं आए हिसाब लगा लेना, ठीक है जी. आज इतना ही करते हैं बच्चा, आज के लिए इतना ही. नमस्कार.